नमस्कार, मैं गौतम महर्षि आप सभी का फॉर्च्यून मम्मी का खाना में स्वागत करता हूं। आज की हमारी गेस्ट को बुलाते हैं जिनका नाम है उर्वी जी। उर्वी जी से पूछते हैं कि वो क्या कमाल करेंगी। उर्वी जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, कैसी हैं आप? आइए, बहुत खुश आप लग रही हैं, बहुत अच्छी आपने स्माइल दी। तो बताइए आज आप क्या बनाने जा रही हैं? मेरा डिश है आज रजवाड़ू स्टफ दही वड़ा। तो चलिए हमें बता दीजिए कि आपकी आज की जो रजवाड़ी बहुत खूबसूरत प्यारी सी डिश है उसकी सामग्री क्या है? हमारे दो स्टफ रहेंगे जी इसके लिए। तो पहला स्टफ है लीलवा कचौरी जो होता है उसका मसाला। तो उसमें लीलवा कचौरी के जो दाने है उसको पीस के क्रश किया हुआ है, हरा धनिया, हरी मिर्च पेस्ट की हुई है। हाँ, पेस्ट है। है ये सींग दाना जो होता है मूंगफली उसको भी ग्राइंड किया हुआ है, लेमन, गरम मसाला जी और सॉल्ट स्वाद के हिसाब से। दूसरा जो स्टफिंग है वो आलमंड का है। तो रात को जो भिगो दिए हुए आलमंड होते हैं उसके छिलके निकाल के हमने उसका क्रश बनाया है और उसको बाइंड करने के लिए हम थोड़ा मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, नमक है और काली मिर्च है। ओके, इसके बाद कैश्यू नट है, किशमिश है, हरी ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है और दही है जिसमें हम ये सब डाल के फिर प्रिपेयर करेंगे। जो मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें है वड़े का खीरा, उसके लिए हम उड़द दाल और राइस भिगो देते हैं रात को और उसमें उसको फिर ग्राइंड करके वी मिक्स इट और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हम गार्निश करके जब सर्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये चटनी बनाना है, चाट मसाला है, जागरी गुड़ है, इमली डेट्स है, जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, लाल मिर्च और ये तो बना के रखा है ऐसे, ये आपने बना के रखा इन्हीं से। हाँ, आप बताइए सबसे पहले इसमें क्या होगा? हम सबसे पहले ये बैटर है उसको जो क्रश किया हुआ है उसको फेंट के हल्का बना देना है, थोड़ा उसमें एयर आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। चलिए आइए, दाल में हम 200 ग्राम चावल, जितनी दाल हो उसका आधा चावल। तो चलिए आप बैटर को हिला रही है, मुझे डर लग रहा है कि आपकी साड़ी पे ना गिर जाए। प्रिकॉशन के लिए मैं आपको ये एक एप्रन देता हूँ, इसे आप पहन लें और आपकी सेफ्टी भी हो जाएगी और आप थोड़ी मतलब शेफ लगेंगे किचन के अंदर। चलिए, हमको थोड़ा नमक मिलाना है जी और हल्का सा सोडा, ये खाने वाला सोडा है। हाँ जी, सोडा भी हो गया, नमक भी हो गया। इसको हिलाते लग रहा है कि इसमें अभी वो हल्का बन रहा है जी, जी। तो हम स्टफिंग तैयार करते हैं। तो आप इसको वहाँ रख दीजिए और अब हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। चलिए, बस अब तेल डालना है तो हम उसमें ये फॉर्चून कुकिंग ऑयल डालेंगे। चलिए इसमें मैं डाल देता हूँ फॉर्चून कुकिंग ऑयल। फिर हमने ये जो क्रश लीलवा दाना रखा हुआ है जी हाँ वो डालेंगे। ओके, हम उसमें धनिया डालेंगे। ओके, और इसके हम बाद ये ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट। अभी हम इसमें 4 टेबलस्पून ये पीनट का पाउडर डालेंगे, नमक डाल देंगे साथ में, ठीक है, वो स्वाद के लिए। हाँ ठीक है, तो जब तक ये पकेगा हम क्या करेंगे? हम दही वड़ा बना लेंगे, तैयार कर देते। ठीक है, चलिए दही फेंट लीजिए आप। उसके बाद हम उसमें नमक और शुगर मिलाएंगे, शुगर मिलाएंगे स्वाद के लिए, हम नमक मिलाएंगे। अभी हम उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं 1 स्पून और इसमें आप डालेंगे चीनी। कितना गरम मसाला इसमें डालूं मैं? 1/2 स्पून, आधा चम्मच गरम मसाला। अब अगला कदम क्या होने वाला है? पहले हम जो पिसी हुई बादाम हमने रखी हुई है वो लेंगे, तो करीब आधा कप। हाँ, जो मिल्क पाउडर लेना है हमको जी हाँ, तो मिल्क पाउडर आप डालिए जिससे ये बाइंडिंग अच्छी आ जाए इसमें। नमक स्वाद के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से। इसके बाद इसमें डालिए कुटी हुई काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, हल्का सा पानी डाल के उसको हम बनाएंगे, मिक्स कर लेंगे, मिक्स करेंगे। इससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये स्टफिंग और ये स्टफिंग दोनों के टिक्की जैसे बना लेने हैं, तो दोनों को मिला के या अलग? नहीं नहीं, अलग अलग। अभी इसके जी हाँ, इसके बाद ये है, इसके भी उतने ही बड़े गोले बनाने होंगे या साइज कैसा रखना होगा? उतना ही, उतना ही। हम फ्राई पैन में ऑयल गरम करके तब तक रख सकते हैं ताकि ऑयल गरम हो जाए। अब इसमें मैं डालता हूँ फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल। ये हमारे दो मिक्सचर जो है मिश्रण वो भी तैयार है। आपको बैटर से दही बड़े बना के आप डायरेक्ट फ्राई करने में डालेंगे या कैसे करेंगे? ठीक है, तो गोल मतलब एक पूरी जैसा बड़ा शेप दे देना, फिर जो भी स्टफिंग हम पहले करना चाहते हैं उसको हम बीच में रख देंगे। ओके, इसको कवर करके फोल्ड कर देंगे ऐसे। हाँ ओके, फोल्ड कर देंगे, ठीक है, और हाथ से थोड़ा शेप देते जाएंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद इनको आप कहाँ डालेंगे? पहले हम उसको गुनगुने पानी में डाल के तुरंत निकाल लेंगे, पानी में निकालेंगे आप। तो पानी थोड़ा गुनगुना करने के लिए रख देना पड़ेगा। चलिए पानी रख दिया जाए। ओके, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना। हाँ। चलिए, मुझे लगता है ये हो गया, इसका कलर काफी अच्छा आ गया, अच्छा सुनहरा गोल्डन ब्राउन। हाँ, इसको पानी में डाल दूं? जी, मैं मस्का है वो रेडी कर देती हूँ। दही का? हाँ। आइए इस तरफ आ जाइए, वो सब सारी चीजें वहीं पर। ओके, इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं,
एक चौथाई बाउल जितना काजू टुकड़ा डालेंगे, किशमिश डालेंगे, रेजिन्स, ये ग्रेप्स डाल सकते हैं। ओके, जितना पौष्टिक और फ्रेश इसे बनाना चाहें फ्रूट्स के साथ उसे उतना बनाते हैं। पाइनएप्पल है हमारे पास, ठीक है, वो हम डालेंगे, वो अब मैं वहाँ पे ले लेती हूँ। आ जाइए, हमारे पास यहाँ रेडी है। थोड़ा सा चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर सभी चुटकी भर, और साथ में आपने काला नमक भी डाला, थोड़ा पहले से डाला हुआ है। तो चलिए, सभी फ्राई हो गए, सोक भी हो गए, निकाल लिया जाए। चलिए, सभी को हमने निकाल लिया, अब इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की बारी। हाँ, गार्निश करके जी प्लेट हम रेडी कर देंगे। ओके, तो इसमें अभी आप ये मस्का डाल रही हैं, दही भी थोड़ा पी ले, ठीक है, वो स्वाद जो है ट्रैवल करे। हाँ, ओके, ठीक है। चलिए, मस्का तो आपने डाल लिया, इसके बाद आप क्या डालने वाली हैं? धनिया, कटा हुआ धनिया जो हमारे पास है, ये लीजिए, उसको हम हल्के से थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है, वाओ, ताकि कलरफुल हो जाए, कलर लगे जी। किशमिश भी या थोड़े से ऐसे बस छिड़क दो। हाँ, ऐसे छिड़क देंगे, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। हर एंगल से रजवाड़ी बहुत ही बढ़िया बनाया, तो आप अगर बुरा ना माने तो टेस्ट कर लो जरूर। दही और फ्रूट्स का टेस्ट, मसालों का टेस्ट, उनका सबका बैलेंस जो है, कितनी तारीफ करूं उतना कम है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनको एक रीकैप बता दूं कि इसकी विधि और इसकी जो सामग्री है वो किस प्रकार की है। तो चलिए, नोट कीजिए इसकी विधि और इसकी सामग्री। राजवारो दही वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए किसा हुआ मटर 1 कप, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्च का पेस्ट 20 ग्राम, किसी हुई मूंगफली 1 कप, नींबू का रस 10 मिलीलीटर, गरम मसाला 50 ग्राम, स्टफिंग बनाने की सामग्री किसा हुआ बादाम 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 50 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, अंगूर 50 ग्राम, अनानास 50 ग्राम, दही 1 किलो। बैटर बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं उड़द दाल का पेस्ट 400 ग्राम, चावल का पेस्ट 200 ग्राम। और इसे बनाने की विधि, बैटर बनाने के लिए एक बोल में 400 ग्राम उड़द दाल पेस्ट और 200 ग्राम चावल का पेस्ट लें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा सा नमक और सोडा डालकर मिला लें और कुछ देर के लिए रख दें। अब मटर स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन में 4 टीस्पून फॉर्चून कुकिंग ऑयल लें, उसमें 1 कप किसा हुआ मटर डालें, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालकर मिला लें। अब इसमें 4 टीस्पून किसी हुई मूंगफली डालें और स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून नींबू का रस, आधा टीस्पून गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं। तब तक दही को अच्छे से फेंट लें और उसमें 2 टीस्पून चीनी और स्वाद अनुसार नमक मिलाएं। अब बादाम स्टफिंग बनाने के लिए एक बोल में 1/2 कप बादाम, 1 टीस्पून मिल्क पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और थोड़ा पानी डालकर मिला लें। अब दोनों मटर और बादाम के स्टफिंग के बॉल्स बना लें। उड़द और चावल को बैटर में स्टफ करके मीडियम साइज वड़े बनाएं और एक पैन में फॉर्चून कुकिंग ऑयल लें और हल्का सुनहरा होने तक डीप फ्राई करें। वड़े के फ्राई होने के बाद उन्हें हल्के गरम पानी में डालकर छोड़ दें। फिर फेंटे हुए दही में काजू, किशमिश, अंगूर, अनानास, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। अब तैयार किए हुए बड़े दही में डालें और सर्व कर लें। आपके राजवारो दही बड़े हो गए तैयार। उर्वी जी, आप यहाँ आई, इतनी बढ़िया, इतनी ट्रेडिशनल डिश हम सबको सिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी तरह की डिशेज आगे भी आपको बताते रहेंगे फॉर्च्यून मम्मी का खाना में। अगली मुलाकात तक, दिस इज मी शेफ गौतम महर्षि साइनिंग ऑफ। बाय बाय।